नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन। इस वक्त हम पटना हाईकोर्ट के बाहर हैं, मौजूद हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के मामले को लेकर आज अहम सुनवाई हुई। देखिए तस्वीरें, सबसे पहले देखिए कि सुनवाई के बाद जो है वो राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव हाईकोर्ट से बाहर निकलते हुए, तो चंद्रिका राय अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ इस देखिए कि बाहर निकल रही है। जब हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो सिरे से खारिज उन्होंने कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तेज प्रताप यादव के वकील होंगे। क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में आज? देखिए हाई कोर्ट में आज वो सामान्य जो एक प्रक्रिया थी कि समझौता का क्या संभावना है, दोनों के बीचों को बात को जानने की कोशिश करती है, तो वही चीज़ आज कोर्ट के अंदर भी यही होता है। वो सामान्य प्रक्रिया जो हुआ है वही प्रक्रिया के तहत इन लोगों को बुलाया गया था। आपसी बातचीत आमने सामने बैठा के की जाती है, चैम्बर में बात की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम ऑन रिकॉर्ड माने माइक पर नहीं बोल सकते, चूँकि वो एक्सट्रीम गोपनीयता इसमें रखा जाता है, चूँकि वो किसी का निजी मामला होता है। लेकिन ये बात आप समझिए, वो खबर के लिहाज से आप लोगों के लिए यह है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जाती है, उनके बात को जानने की कोशिश की जाती है, तो यही सब आज हुआ है। हो सकता है कि फिर अगला डेट को एक बार और बुलाना पड़े, यही क्या, सब चीज़ क्या फिर एक बार और काउंसलिंग की जा सकती है? प्रायः अन्य केसों की बात मैं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इसमें कई राउंड बात होती है, दो बार, तीन बार, चार बार, अनेकों बार, वो जब तक कि लगता है कि संभावना का कोई गुंजाइश है तब तक बात होती है। कोर्ट मतलब तब तक मतलब संभावना की गुंजाइश रहती तब तक आमने सामने बैठा गया। जी जी। अच्छा एक बात कही कि गुजारा भत्ता को लेकर भी मामला चल रहा था इन दोनों के बीच? देखिए मामला चल रहा था तो वो गुजारा भत्ता के लिए जो बात चल रही थी तो वो सभी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उस पर कोई निर्णय लेने से पहले वो जज साहब एक बार देते हैं दोनों में कि हमको कुछ, माने जज साहब का ये रहता है कि मुझे कोई इसमें ऑर्डर नहीं करना पड़े आप दोनों के बगैर, तो आप दोनों ही में यदि समझौता हो जाए, उसकी संभावना यदि नहीं होती है तब फिर फर्दर वो कोई ऑर्डर करते हैं। तो ये एक समझिए कि प्रोसीजर है फैमिली डिस्प्यूट में इस तरह के चीज़ों को समझने के लिए, कि कोर्ट एक आमने सामने बैठा के अपने स्तर से भी देखते हैं कि क्या है मामला, कितनी संभावना है उनका समझौता का, वही चीज़ देखा गया है। एक आखिरी सवाल है कि माँ उनकी तेज प्रताप की राबड़ी देवी भी आए थे, कोई विशेष बात? ऐसा कुछ नहीं, चूँकि उनके तरफ से भी गार्जियन आए थे तो इन्होंने भी कहा कि मैं भी अपने गार्जियन के साथ आऊँगा, ये आज़ादी होती है तो उन्होंने विशेष परमिशन से आ ही गए। कोई अगली तारीख रखी गई है कोर्ट की? अभी फिलहाल वो तारीख तो हम घोषणा होने की संभावना है, अभी वो कहना उचित नहीं है। हाँ। लेकिन एक संभावना मुझे लग रहा है कि एक और होगा। क्या नाम हुआ? शिवनंदन भारती। ये शिवनंदन जी हैं जो कि तेज प्रताप यादव के वकील हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो है आमने सामने तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की बंद कमरे में एक तरह से कह सकते हैं बात हुई, क्या बातें हुई ये सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि ऐश्वर्या जो है अपने पिता के साथ साथ आई थी और किस तरीके से रवाना हो रही हैं पटना हाई कोर्ट से, और तेज प्रताप यादव अपनी माँ के साथ आए थे। कुल मिला कहें कि इस मामले को लेकर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई, क्या कुछ हुआ ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं पाया, क्योंकि बंद कमरे में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की वन टू वन बात हुई है, और वकील से जैसा कि उन्होंने बताया कि ये काउंसलिंग है और हो सकता है कि कोर्ट को लगेगा तो इसके बाद भी काउंसलिंग के लिए दोनों को बुलाया जा सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।